हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग एंड अनदर डे इन माय लाइफ। तो मैं आ गई थी अपनी मम्मी के घर, यानी कि अपने मायके, और वो खुशी एक अलग होती है। सो रूटीन लाइफ स्टार्ट की थी। सबसे पहले कान्हा को लंच कराया, देन उसके बाद मैंने लंच किया। लंच पे थी रोटी, भिंडी की सब्जी, रायता एंड फुल ऑफ सलाद, और बहुत ही काफ़ी फुलफिल था। और देन उसके बाद में ना थोड़ा बच्चों के साथ मस्ती करी। यार बच्चों के साथ ये देखो, बच्चे मस्ती कर रहे हैं, अच्छा लगता है उनके साथ। ये टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता है जनरली। और कान्हा भी काफ़ी खुश था अपनी नानी के घर आके और अपने भाई बहनों के साथ मिल कर के, क्योंकि उसके एज के हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था उन लोगों के साथ में। और वो इस तरीके से अपने गेम में ही सबको लगा देता है और काफ़ी मज़े कर रहा है वो भी यहाँ पे आके। तो अच्छा लग रहा है ये सब कुछ। थोड़ा लग रहा था कि कान्हा कैसे रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि अपनी जगह से। देन उसके बाद में ना थोड़ा सा हम लोग ने कुछ DIY मैंने बनाया यहाँ पे। मैं फ्लैक्सीड का जेल बना रही थी फॉर हेयर, सो जो मैं हमेशा अप्लाई करती रहती हूँ। सो मेरी मम्मी ने कहा कि चलो हमें भी बना दो, हमें भी लगाएंगे हम भी। सो बस मैं वही यहाँ पे थोड़ा सा प्रिपेयर कर रही थी फ्लैक्सीड जेल। और उसके बाद में बच्चों के साथ में मैंने टाइम स्पेंड किया। जनरली ये टाइम मुझे कान्हा के साथ कम ही मिलता है, क्योंकि जनरली घर पे स्कूल और फिर एक अलग अलग टाइम रहते हैं, सारा शेड्यूल फिक्स होता है, तो ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। तो बस यही कान्हा के साथ में, बच्चों के साथ में सब मस्ती कर रही थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था उन बच्चों के साथ में। और कान्हा को लग रहा था मेरी मम्मा के पास तो मैं ही रहूँगा बस। और ये देखो गाइस, शाम होते होते ना थोड़ा मौसम बिगड़ गया था यहाँ पे, बारिश, और बारिश के साथ में ना ये ओले गिरने लगे थे, जिसे मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी है। मतलब यार लिटरली कैसा वेदर हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये बच्चे इंजॉय कर रहे थे, ये कान्हा फर्स्ट टाइम देख रहा था कि ऐसे बर्फ गिर रही है, तो उसे बड़ा मज़ा आ रहा था कि मम्मा ये क्या है, ये तो बर्फ है लाइक दिस, और बस अच्छा लग रहा था। उसके बाद में शाम को फिर थोड़ा बारिश बंद हो गई थी, तो हम बच्चों को लेके बाहर आ गए थे और उनको थोड़ा सा खेलने दे रहे थे। तो बस वो इस तरीके से मिट्टी विट्टी खेलता है, और अगर साफ रहता है सब कुछ तो यार मैं मना नहीं करती हूँ, उसे खेलने देती हूँ कि थोड़ा सा अपने हिसाब से भी इंजॉय करे। और बस उसके बाद में मैं अपनी नीस के साथ में बैडमिंटन खेल रही थी, जो ऐसा रोड पे हम खेलते तो ज़्यादा खेल नहीं पाते, बस कॉक को उठाने का ही हमारा काम ज़्यादा पड़ता है। और हमारी कॉक ना यहाँ अटक गई थी तो कान्हा यहाँ पे उसको लेने की कोशिश कर रहा है कि मम्मा मैं निकालता हूँ, हालांकि हमारी कॉक निकल गई थी, बट वो इस तरीके से स्टिक लेके निकालने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने कहा ठीक है यार, निकाल ले, तू ही निकाल ले। देन उसके बाद में ना कान्हा यहाँ अपनी नानी से स्टोरी सुन रहा था। सो दादी नानी की स्टोरी से अच्छा ना मुझे लगता नहीं कि कुछ होता है, क्योंकि उनकी एक अपनी ही स्टोरियाँ होती है, और वो टाइम ना हम भी हमारे बचपन में चले जाते हैं। मैं सोचती हूँ कि हमारी भी दादी नानी हमें ऐसी स्टोरियाँ सुनाती होगी, और उनकी जो स्टोरी होती है ना वो सिर्फ उनके पास होती है और किसी के पास नहीं होती। कान्हा घर पर भी अपनी दादी से इस तरीके की स्टोरी सुनता है, उन्हें सुनाता है, और उसकी नानी को भी काफ़ी सारी स्टोरी आती है, क्योंकि उन्होंने दोनों बच्चों को देखा है मेरी भाभी के, तो वो सुनाती रहती थी उन्हें। तो बस तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और ये सब चीज़ें ना हम बचपन में ही करते हैं यार। मतलब उसके बाद हम शायद ही कभी सुनते होंगे नहीं, तो वो बड़े मज़े से सुन रहा था, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ गाइस। सो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय फॉर। फिर एक बुढ़ी अम्मा बैठी थी, बुढ़ी अम्मा बोली कि ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूँ। तो बोले ठीक है अम्मा, खूब बड़ा सारा गंजा रखना, इतनी बड़ी तपेली रखना। तो बुढ़ी अम्मा बोली एक चिमटी का एक